गाइस कैसे हो यार आप सब लोग। स्वागत है मेरी आज की एक और वीडियो पे और मेरे चैनल पे जिसका नाम एक्सट्रीम बॉय गेमिंग। एंड यार इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कोबल स्टोन जनरेटर, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा। ऑटोमेटिक कोबल स्टोन जनरेटर बनाने वाले हैं फॉर अपने हाउस के लिए। अब बार बार मुझे माइन करना पड़ता है ना, सो चलिए शुरू करते हैं। ये साले स्पॉन कहाँ से हो गए हरामी। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर पर, ठीक है। फिलहाल तो भाई सबसे पहले अपने को क्या क्या चाहिए भाई कोबल स्टोन जनरेटर बनाने के लिए, कोबल स्टोन फार्म बनाने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ भाई। सबसे पहले हमें चाहिए 3 कोबल स्टोन स्टेयर्स, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए हॉपर्स जो कि मेरे पास अभी नहीं है, बना देंगे अभी थोड़ी देर में, होने दो, चलो ठीक है। और हमें चाहिए कुछ आयरन से जो हमें बनाना है हॉपर्स, वो मैंने आयरन ले लिए हैं, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, अब मैं बता देता हूँ। मुझे हमें चाहिए एक चेस्ट भी चाहिए और ट्रैप डोर्स भी चाहिए भाई। चेस्ट, पहले चेस्ट बना लिया हमने, एक दो चेस्ट हैं, एक से जिस मतलब हॉपर्स बनाने हैं वो उसके लिए चेस्ट लगेगा। और प्लैंक्स से चेस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। एक हॉपर में जो चेस्ट लगेंगे उसके लिए 3 चेस्ट तो बनाने पड़ेंगे, फिर उसके लिए 3 हॉपर और आयरन, मतलब आयरन और चेस्ट यूज़ करके 3 हॉपर बनाएंगे। और ट्रैप डोर लगेंगे, हमें 10 ट्रैप डोर चाहिए, क्योंकि यार जो मेरा वाला कोबल स्टोन जनरेटर है बहुत सिंपल सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा बालक है, तो भाई समझ लो ना यार, थोड़ा आसान सा यार बच्चे को, मतलब बच्चे की क्रिएटिविटी देखो यार, क्या मस्त क्रिएटिविटी है मेरी। खाली 10 ट्रैपडोर चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो भी हो गया। साला ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया ये हरामी, साला गेट खुला छोड़ दिया मैं यार, हट वे पोपड़ी के, चल चल तेरी, साला घुसंड मारता है, बट मर जा, ठीक है चलो मर गया। पहले गेट बंद करके आऊँ, अबे वो खड़ा हो जाए, गेट बंद करके आना पड़ेगा सबसे पहले, तभी साला, नहीं तो ज़ॉम्बी कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। अबे साला फिर गेट खुल गया, हट में, चल चल ठीक है। उसके बाद हमें कहाँ पे थे, हमें चाहिए था चेस्ट बना रहे थे ना, सॉरी होपर बन गए, चेस्ट से प्लैंक भाई ये वाला हल्का वाला प्लैंक चाहिए भैया, चलो ट्रैप डोर, ये हाँ ट्रैप डोर बनाया था, सॉरी ट्रैप डोर बन गए 10। उसके बाद हमें हॉपर भी अपने पे, आयरन और चेस्ट दोनों चीज़ें, तो हमने 3 हॉपर बना लिए। हमें चाहिए एक चेस्ट, 3 हॉपर, ठीक है। और हमने क्या बनाया, 3 भाई नॉर्मल टेम्प्ररी ब्लॉक है, इसे डर्ट ले लो या कुछ भी ले लो, कोई टेम्प्ररी ब्लॉक है जो सिर्फ यूज़ करेंगे, बाद में इसको रिमूव कर दिया जाएगा, तो इसे टेम्प्ररी ब्लॉक का नाम दूंगा मैं। और गाइस तुम ये सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे बनाना आता है, मैंने खुद अभी यूट्यूब पे वीडियो देख के आया हूँ कि भाई कैसे बनाते हैं कोबल स्टोन जनरेटर। वैसे तो मुझे पता है लावा पे पानी डाल दो कोबल स्टोन बन जाता है, बट ऑटोमेटिक जनरेटर कैसे बनाते हैं भाई, ये सब चीज़ें देख के आया मैं, ठीक है। और मुझे अच्छा लगा भाई, सिंपल सा बहुत ईजी स्टोन, मतलब कोबल स्टोन जनरेटर देखने को मिला यूट्यूब पे। मैं भाई कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना है ना, बट वो बात अलग है, मैं अपने वर्ल्ड में कर रहा हूँ भाई, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। हॉपर आ गया, ठीक है, चेस्ट आ गया, ठीक है। और अबे यार बकेट तो रह गई भाई, बकेट भी चाहिए भाई, 6 बकेट हमें, 6 सबसे पहले बकेट चाहिए भाई, सबसे पहले बकेट, फास्ट फॉरवर्ड क्या है ये बकेट, हाँ भाई कितनी है, 2 3 3 बकेट है भाई, 6 बकेट चाहिए भाई। उसमें 3 बकेट होनी चाहिए वाटर की, 3 बकेट होनी चाहिए लावा की, तभी तो मज़ा आएगा ना, 3 वाटर की, 3 लावा की, ओके। सो ठीक है, मेरे पास आयरन है, आयरन नहीं है यार, चलो आयरन और है भाई, चलो ठीक है भाई, आयरन को स्मेल्ट करके या फिर फर्नेस में डाल के, जो भी है व्हाटएवर, उसमें डाल के फिर आयरन और कलेक्ट करके फिर उससे हम बकेट बना सकते हैं। सो गाइस इसको मैं टाइम लैप्स कर देता हूँ, इसमें बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत टाइम। चलो भाई फटाफट, कचर फटाफट हो गया भाई, अबे हो जा जल्दी यार, क्यों भाई, चल भाई ठीक है, चलो भाई अपनी 6 बाल्टी बन गई। अब हमें भाई 6 बाल्टी बकेट बन गई भाई, बाल्टी में हमें चाहिए 3 में वाटर और 3 में चाहिए लावा। पहले साले को दिन करूँ भाई, मैंने चीट्स ऑन करी अपने वर्ल्ड में, थोड़ा सही रहता है भाई साला टेलीपोर्ट करने में और दिन करने में, साला तुम्हें लगता होगा कितना ईजी हो जाता है ना, बट इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सारे जॉम्बी वॉम्बी जो भी होते हैं सब ओरिजिनल होते हैं, बस खाली डे और नाइट कर सकते हैं, ताकि जॉम्बी को मैं मार देता हूँ इजिली, बिकॉज आई एम वेरी मच प्रो इन दिस गेम। तो भाई सबसे पहले ना मैं क्या करने वाला हूँ, ओके ठीक है, गेट बंद कर दिए, मेरे दोस्त का घर है, मतलब मेरे दोस्त के भाई का घर है, या कह सकते हो मेरे दोस्त का घर है। सारे देख रहे हो भाई क्या गुफा बनाई है भाई, ये क्या सीन है बे, जाते ही जा रहा है भाई। 7 hours later 72 hours later सो गाइज फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सबसे नीचे, और मेरे दोस्त ने भाई ये मस्त बना रखा है,
उसने भाई पहले ही ब्लॉक लगा रखे हैं कि मैंने देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें आपको, ये देखो लावा है भाई इसके आगे, इसको बस ब्लॉक करना। मैं इधर नहीं ब्लॉक करूँगा क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी आइटम्स हमारी लगी हुई हैं। सो मैं ये वाला जो है अपना ये वाला ब्लॉक तोड़ के इसके पीछे लावा है, इसको लावा से तीन बकेट कलेक्ट कर लेता हूँ लावा की, ठीक है। एक दो, अरे वापस चली गई, एक दो तीन, ठीक है भाई तीन बकेट्स हो चुकी हैं अपनी लावा की। अब मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, तीन हो गई ना, 1 2 3, ठीक है तीन बकेट्स लावा की कंप्लीट हो चुकी है हमारी। एंड ये रहे मेरे पे ब्लॉक, एंड ब्लॉक से इसे लेट्स कंप्लीट कर देते हैं ब्रो। यस, चलते हैं अब हम अपने वाटर, वाटर सोर्स तो भाई अपने ऊपर ही हैं, वाटर सोर्स तीन बकेट्स कलेक्ट हो चुकी है वाटर की। सो ठीक है, ये मेरा घर है भाई जो अभी लेफ्ट में आपको राइट में दिख रहा है स्टोन वाला, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करना बाकी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उसको बनाने में। सो देखते हैं कंप्लीट कब होगा। एंड फिलहाल मेरे पे ठीक है तीन वाटर सोर्स भी हो गए हैं, तीन मतलब छः बकेट्स हो गई हैं। तो गाइज़ आपको पता चल गया होगा सामान क्या क्या चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो कॉबल स्टोन जनरेटर फार्म है सिंपल वाला। चलिए भाई अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले भाई अपन चेस्ट प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ठीक है। हॉपर भाई तीन हॉपर यहाँ पे ठीक रहेंगे, एक ठीक है ठीक है, मतलब देख लो भाई एग्जैक्ट पोजीशन देख लो किस तरह से रखना है, उसके जस्ट पीछे रखना है चेस्ट के, ताकि चेस्ट में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और फिलहाल इसके ऊपर भाई हमें ना इसके ऊपर एक ब्लॉक रखने है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हॉपर खुल जाता है। तो इसके ऊपर ब्लॉक रखने के लिए पहले हमें एक साइड में ब्लॉक रखने पड़ेंगे एक दो, उसके बाद जो इसके ऊपर है उसको उससे चिपकाना पड़ेगा लाइक दिस। पहले एक ब्लॉक यहाँ लगाते हैं, ठीक है, फिर एक ब्लॉक इसके ऊपर लगाएंगे, ये वाला ठीक रहेगा, अबे लग जा चचा, हाँ ये ठीक है। और अब अबे यार कितना प्रो गेमर हूँ भाई मैं, क्या ही हो रहा है, कितना प्रो हूँ मैं, ठीक है। एक डर्ट हो गई एक यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हमें तीन ब्लॉक्स लगाने, ये तो अभी एक लगाया ना, इसको तोड़ के हम वापस इसके ऊपर से लगा लेंगे। अगर हम डायरेक्टली लगाते तो यार हॉपर पे क्लिक हो जा रहा था, वो नहीं लग रहा था, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। बाकी अगर ना ही हुए तो भाई जैसे मैंने बनाया बना लेना ब्रो, अगर आपको मुझे कुछ भी मतलब मेरे से सीखने का मौका मिले तो, मैं कुछ भी बोल देता, मुझे खुद नहीं पता होता बोलना क्या होता है, ठीक है। अब हमें लगाएंगे इसके ऊपर भाई स्टेयर लगाना, ये तो टेम्प्रेरी ब्लॉक है, ये वाली स्टेयर्स नहीं है, तो मैं खाली ब्लॉक चढ़ने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली स्टेयर्स नहीं लगानी। कोबल स्टोन जनरेटर है ना, तो कोबल स्टोन की स्टेयर्स लगानी है तीन इस तरह से। और फिर हमारे काम आएंगे भाई ट्रैप डोर्स, ठीक है, हमें एक ट्रैप डोर ऐसे लगाना है, एक इसके पीछे, तीन इसके पीछे लगाना है ताकि ये पूरा कवर हो जाए, ठीक है। और एक लगाना है इसके इधर, ताकि एक साइड से पूरा कवर कर देना गाइस, ताकि जो पानी है स्टोर हो जाए इसमें, ठीक है। एंड ये इसको ब्लॉक कर देते हैं, चलो भाई ये तो हो गया ब्लॉक। अब हमें यार मतलब क्या है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक रखते हैं इसके साइड में, कोई भी ब्लॉक हो, ज़रूरी नहीं है कि यही ब्लॉक हो, कोई भी ब्लॉक हो, लेकिन होना चाहिए स्टोन ब्लॉक, ताकि जो लावा को एटलीस्ट झेल सके वो, क्योंकि यहाँ पे हम लावा रखने वाले हैं इसके ऊपर, तो कोई भी स्टोन ब्लॉक हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ अगर तुमने डर्ट वर्ट रख दी तो शायद दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी ट्राई कर लेना, स्टोन ब्लॉक ही रखना, डर्ट ब्लॉक मत रखना, ये परमानेंट ब्लॉक होना चाहिए लाइक, समझ रहे हो ना, इसको तोड़ के भी यही बनना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है आपको कॉबल स्टोन जनरेटर बनाने में। सो ये हो चुका है। अब हम इसके ऊपर भाई एक पहले तीन टेम्प्रेरी ब्लॉक लेते हैं, वो टीम भाई मेरे पे जो परमानेंट सॉरी टेम्प्रेरी पहले वाले ब्लॉक थे वो ऊपर के अंदर चले गए, तो मैंने तीन बना लिए, मैं नूब हूँ, मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर से वापस ले सकते हैं, बाद में पता चला मुझे। सो ठीक है, ऐसे इसके ऊपर तीन ब्लॉक रख देने। अब इसको भाई कर देना है हमें ट्रैप डोर से कवर। सो ट्रैप डोर, अरे लग जा चचा, ट्रैप डोर एक पूरा। अबे यार भाई क्या ही है ये, फ़ोन में भाई बड़ा ग्लिच है साला, फ़ोन का बसूड़ी अलग ही है, ठीक है ना। तो एक यहाँ रख देना है, एक यहाँ रख देना है, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये ठीक है। अरे तेरी भाई ये भी उल्टा लग गया, इसको नीचे लगाना है, इसको तोड़ देते हैं फिलहाल। भाई पिक एक्स बहुत देर में तोड़ता है, मेरे पे एक्स देखनी पड़ेगी, एक्स है या नहीं, अब एक्स बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है, वरना मैं एक्स बना के इसको तोड़ देता, ठीक है। अब इसको पूरा तरह से कवर कर देना है, और फिर भाई इसको ना जैसे ये पूरा मतलब हो जाए ना, तो ये जो टेम्प्ररी ब्लॉक यानी जो डर्ट लगाई थी इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका इसकी ज़रूरत नहीं हमें, खाली हमें ट्रैप डोर्स लगाने के लिए हमने यूज़ किया था ये, ठीक है ना, वरना और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, हो गया। अब भाई हमें क्या करना है ना, इसके अंदर डालना है लावा, और पहले देखते हैं ऊपर चढ़ के डाला जाएगा, भाई अंदर से डालूंगा तो मैं ही मर जाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर डालना है हमें लावा, यहाँ पे एक गेट खोलना है, पहले यहाँ से डर्ट जो भी ब्लॉक है हटा के यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू मेक अ कोबल स्टोन जनरेटर, और मैंने अपने फार्म पे यही बनाया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप सोच रहे हो कि भाई क्या ही, ओ भाई ये क्या सीन हुआ बे भाई माफ़ी चाहूँगा, मैंने पता है क्या किया था, ये जो पानी ब्रकेट है मैं उल्टी लगा दी थी, तो आपको ऐसे करना है कि जो लावा की
जो मतलब लावा के ऊपर पानी गिरे, तो मैंने उल्टा लगा दिया था। फिर मैंने देखा भाई लावा तो यहाँ रखना है, तो गलत सीन हो गया था मेरे साथ। देख लेना गाइस कैसे करना है आप वीडियो में, एक बार रिवाइ पॉज करके। और भाई ठीक है, यहाँ पे लावा रखा जाएगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मैंने तीन परमानेंट ब्लॉक हटाए, सॉरी टेम्प्ररी ब्लॉक हटाए थे। ओ भाई ये भी यार, ये डोर गलत लग गया है, ये डोर भी हटा के मुझे गलत मतलब गलत लग गया ना, तो इसको भी ठीक करना है। ये यार क्या है ना, फ़ोन में थोड़ी सेंसिटिविटी है मेरे में, दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या है, मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। ये देख रहे हो ये गलत डोर लग गया, ये हमें जैसे उसके बगल वाले डोर लगे ना, पानी को कवर करना है ना कि इसको, लाइक दिस, इसको ऐसे कवर करना है। और ठीक है कर देते हैं फिलहाल। तो एक और भाई अब लेते हैं अपन लोग, तीन और परमानेंट ब्लॉक, सॉरी टेम्प्ररी ब्लॉक। ये खाली मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूँ भाई, मेरी बार बार स्टेयर्स खत्म हो जाएंगे, फिर तोड़ना पड़ेगा इसको, ये जल्दी टूट जाता है भाई, समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं हूँ इतना प्रो, क्या कर सकते हैं। और ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे लावा डालना है, इसके अंदर डालना है लावा। चलो स्टोन पे, अच्छा वो मैंने स्टेयर्स बना रखी है ऑलरेडी, यहाँ पे अपन डालते हैं लावा। लाइक तीन बकेट्स हैं, वैसे तो आप दो बकेट्स में भी कर सकते हो, बट मैं नूब हूँ फिर भी आपको ईजी, मतलब जो नूब होना इसलिए बता रहा हूँ, तीन बकेट यूज़ करके आप दो बकेट यूज़ करके इसको कर सकते हो, मतलब परमानेंट इन्फिनाइट सोर्स लाइक दिस। ठीक है अब ये बीच वाले ब्लॉक हटा देते हैं गाइस। देखो गाइस अपना भाई कोबल स्टोन जनरेटर रेडी है। ठीक है आप पता है क्या करना है, ये स्टोन में अपने भाई जैसे ही आप तोड़ते रहोगे ना, ये स्टोन में आते जाएंगे, ये स्टोन जो मतलब कोबल स्टोन है ना, ये अपने आप ही क्या बोलते हैं चेस्ट में आते रहेंगे। अबे चेस्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं, अबे बाहर क्यों गिर रहे हैं भाई, चेस्ट में नहीं आ रहे यार, ये क्या ही बस उड़ी है, देख रहे हो भाई बाहर गिर रहे हैं ऐसे, मतलब तोड़ते जाओ पहले से, वैसे तो फार्म बन गया, बस चेस्ट में नहीं आ रहा। अभी मैं इसका सोल्यूशन देखता हूँ क्या दिक्कत है क्या नहीं आ रहा। वैसे तो चेस्ट में आने चाहिए क्योंकि हॉपर से ऐसे चेस्ट में आ जाते हैं, देख रहे हो एक भी चेस्ट में नहीं आया, चेस्ट खाली पड़ा है, साइड में आ गए भाई दो। ठीक है चलो अपने साइड के ब्लॉक हटा देते हैं, फालतू में बेकार लगे रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे कॉबल स्टोन मेरे आगे। अबे भाई आइटम हॉपर में दिखा रहा है, अभी हॉपर के अंदर दिखा रहा है, एक मिनट देखता हूँ मैं, हॉपर के अंदर दिखा रहा है भाई ये। ठीक है हॉपर के अंदर क्यों चले गए, हॉपर के अंदर से चेस्ट में आने चाहिए ना, चेस्ट में क्यों नहीं आ रहे। चलो भाई इसको एक बार खाली कर देते हैं, इसमें तो रहने दो, इसको डर्ट है, डर्ट हटा दी, शायद हो सकता है ये रीज़न हो, इसमें भी डर्ट है ये भी हटा दी। ठीक है भाई अब ठीक है। अबे भाई कोबल स्टोन तो बन रहा है बट बाहर क्यों फेंक रहा है भाई, ये क्या दिक्कत हो रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। देख रहे हो भाई बाहर फेंके जा रहे हैं, अपना कोबल स्टोन जनरेटर रेडी है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब मुझे इसका, अबे यार मैं देख रहा हूँ ना, अब मैंने देखा, मैंने नोटिस किया भाई, जो ऊपर वाला गेट है ना वो खुला हुआ है, देखो चेस्ट में मैंने अभी सखे, जो ये ऊपर वाला गेट है ये खुला हुआ है, इसको बंद करना पड़ेगा। पहले मैं स्टेयर्स हटा लेता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए कि एग्जैक्ट कैसा दिखेगा, अगर जो मैंने छोटा सा जनरेटर बनाया है कोबल स्टोन जनरेटर। बैकग्राउंड नॉइज़ है गाइस, उसको इग्नोर करना, टट्टी बैकग्राउंड नॉइज़ एकदम, जब ज़रूरत होती जब नहीं देता। ठीक है ऐसे मतलब फोड़ते रहो भाई लावा से अपना जनरेटर बनता रहेगा। और ये चेस्ट देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे भाई ये चेस्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है ना चेस्ट में नहीं जा रहा है, ये हॉपर में जा रहा है और बाहर निकल गया कोबल स्टोन। ठीक है मैं भाई क्या करूँ, ठीक है ऐसे तोड़ते तोड़ते पहले बना लेता हूँ, इसको बंद करते हैं फिर देखते हैं, शायद यही रीज़न है, इसको बंद कर देते हैं अब। ठीक है और अब देखते हैं गाइस, इसको पूरा क्लोज रखना, अब आपका कोबल स्टोन जनरेटर रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट में देखना गाइस कितने सारे हो गए हैं, मैं इतनी देर से ब्लॉक कर रहा हूँ, 7-8 तो हो ही गए होंगे, देखना पड़ेगा कितने हो गए। और भाई यहाँ पे आंधी चल रही है अभी इस टाइम, क्या ही बोलूँ। ठीक है मेरे पे कितने हैं, मेरे पे तो दिखाई नहीं रहा, मैं उठा लेता हूँ ब्रेड खा लेता हूँ भाई, पहले खाना नहीं है खाने के लिए, हेल्थ डाउन हो रही है, बारिश भी हो रही है लोल, अरे वेदर इसमें भी हो रहा है, रियल में भी, मैं रियल की बात कर रहा था, यहाँ पे अब बहुत आंधी चल रही है। देख रहे हो गाइस अपने आप 7-8 आ चुके हैं और मैंने अपने इसमें डाल दिए हैं। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।